मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश हो चुका है। 5 जुलाई को पेश हुए बजट में सरकार ने मिडिल क्लास को टैक्स में राहत तो नहीं दी, लेकिन बजट का एक ऐलान आपको राहत दे सकता है। अब अगर आपके पास आधार है तो पैन कार्ड की जरूरत नहीं है। अब 50,000 रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड की बजाय आधार कार्ड का इस्तेमाल हो सकेगा। इसके अलावा अब आधार का इस्तेमाल उन सभी कामों के लिए हो सकेगा जहां आम तौर पर पैन जरूरी है। बैंकों और दूसरे इंस्टीट्यूशन जहां पैन को बताना जरूरी है वहां आधार का इस्तेमाल हो सके, वहां बैकएंड अपग्रेड्स किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ITR फाइल करने के लिए पैन की बजाय आधार इस्तेमाल करने का भी प्रस्ताव दिया गया है। ये भी कहा गया है कि अब जहां भी पैन बताने की जरूरत है वहां आधार नंबर के जरिए काम चलाया जा सकता है। काले धन पर लगाम लगाने के लिए 50,000 रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन जैसे होटल या विदेश यात्रा बिल के लिए पैन बताना जरूरी है। इसके अलावा 10 लाख रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति की खरीद पर भी पैन देना होता है। इस वक्त 22 करोड़ पैन कार्ड आधार से लिंक्ड है। देश में 120 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार है। अगर कोई पैन कार्ड चाहता है तो उसे पहले आधार का इस्तेमाल करना होता है, पैन जनरेट करना होता है, तब इसका इस्तेमाल वो शुरू करता है। अब आधार के चलते उसे पैन जनरेट करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन पैन का इस्तेमाल खत्म नहीं हो जाएगा। लोगों के पास जरूरत की जगह पर या तो पैन या फिर आधार नंबर देने का ऑप्शन होगा। कुछ लोग पैन देने को फायदेमंद मानते हैं तो कुछ आधार देने को, इसलिए पैन और आधार दोनों रहेंगे, लेकिन बैकएंड में हर पैन की जगह आधार होगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने आयकर विभाग से जुड़े कामों में आने वाली परेशानियों से जुड़ा एक बड़ा ऐलान भी किया है। निर्मला सीतारमन ने बताया कि करदाता को बार बार आयकर विभाग में आना जाना पड़ता है, ऐसे में कई तरह की परेशानियां होती है। अब एक इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था लागू की जाएगी जिससे आयकर विभाग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने बताया कि इस साल से ये नई व्यवस्था लागू हो जाएगी।